नमस्कार, मैं राजीव कुमार झा आज के कार्यक्रम में सबका स्वागत करता हूं। किन्नौर अब तक के पटल पर आज की मेहमान हैं अंजना सिन्हा। अंजना सिन्हा का नाम बेहद सुपरिचित है हम सबों के लिए, और फेसबुक पर तो निरंतर इनकी उपस्थिति बनी रहती है। इसके अलावा और भी दूसरे साइट्स जो हैं सोशल मीडिया के, उस पर अपनी रचनाओं को लेकर, वीडियो कार्यक्रमों को लेकर निरंतर ये उपस्थित होती रही हैं। और आपका हम स्वागत करते हैं अंजना जी। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंजना जी, आप मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और शायद मैं सही हूँ, या छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, तो आप अपने शहर के बारे में बताएं और कहाँ से आप आती हैं, और अपने काव्य लेखन के बारे में आप बताएं, आप कब से कविताएं लिख रही हैं और कविता लिखते हुए आपने क्या महसूस किया, बहुत खुशी होगी ये सब जानकर। जी सर, मैं वैसे तो बिहार और झारखंड से हूँ, पर यहाँ छत्तीसगढ़ में पिछले 15-16 सालों से रह रही हूँ और यहीं की रह गई। अभी तो साल में एक दो बार जाना आना होता है बिहार, फैमिली सभी वही है और हम लोग यहाँ अभी रहते हैं। और जहाँ तक लिखने बिहार की बात है तो सर खास गया से गया सर जी। हाँ, गया तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध शहर है, पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, बहुत ऐतिहासिक शहर है और आप वहाँ की रहने वाली हैं, ये जानकर अच्छा लगा। खैर, आप कुछ कह रही थी अपने साहित्य लेखन के बारे में, तो बीच में मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था, अपने साहित्य लेखन के बारे में आप बताएं। जी सर, मैं 2020 से लिखना शुरू की हूँ और तब से लगातार ही लिख रही हूँ, और आप सबका प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं बिल्कुल नई हूँ और बस सीख रही हूँ अभी तक। अच्छा, आप खुद को नहीं मानती हैं? मैं नहीं तो सर, आपको मुझे करीब लगता है। पांच छह सालों से तो आपसे मेरा परिचय रहा है, और मुझे लगता है कि आप इससे पहले से ही लिख रही होंगी, तो फिर नई लेखिका के रूप में आप कैसे खुद को देखती हैं? सर, जब तक हम सीख रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर लिखना जब शुरू की हूँ 2020 से ही शुरू की हूँ, 4 नवंबर 2020 से मेरा लिखना शुरू हुआ है और उसके बाद से फिर लगातार है सर। अच्छा, 2020 से आप लिख रही हैं, नवंबर से? हाँ, वही कोरोना के आसपास में आपसे मेरा परिचय हुआ था। हाँ, उस वक्त कई लेखकों की से मेरी जान पहचान हुई थी, आपसे भी जान पहचान हुई थी। अंजना जी, आप दोहे वगैरह लिखती हैं और दोहों में आप बहुत पारंपरिक ढंग से समाज, संस्कृति, नीति की बातें आज के संदर्भों में आप प्रेषित करती रहती हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हैं साहित्य सृजन में, तो इसके अलावा भी आपने दूसरी काव्य विधाओं में भी लगभग सभी छंद विधाओं पे लिखती हूँ। जी सर जी, सभी छंद विधाओं पे लिखती हूँ सर, थोड़ा बहुत सभी पे कलम चलाई है, कविताएं भी लिख लेती हूँ, कहानियां भी लिख लेती हूँ, थोड़े बहुत सभी पे हैं। तो आज आप अपना काव्य पाठ अब शुरू करें और अपनी कविताएं वगैरह जो हैं अलग अलग शैलियों में लिखी हुई, अलग अलग विषयों पर जो कविताएं आपने लिखी हैं उनके बारे में आप बताएं, उनके बारे उनको आप सुनाएं, बताएं क्या कविताएं तो सुनाने की चीज होती हैं। जी सर, मैं शुरुआत करूंगी। जी सर, मैं शुरुआत करूंगी अपने गुरु के चरणों में एक दोहे के साथ में, और माँ शारदे की वंदना रखूंगी, तो सुनें। नमन करो गुरु आपको, गुरु मेरे भगवान, विद्या दाता आप हैं, सचे मुझ बड़े महान, सचे मुझ बड़े महान,
माँ शारदे की वंदना आप सबके बीच में रखते हुए सुने। तम से अंत से का मिटा दो, जय तु वीणा वादिनी, राह अभे मुझको दिखा दो, जय तु वीणा वादिनी। रस फूटित हूँ ज्ञानी गंगा, हृदय के हर छोर से माँ मुझे वरदान दे दो, आज की इस भोर से न्याय का दीपक जला दो, जय तु वीणा वादिनी। तम से अंत से का मिटा दो, जय तु वीणा वादिनी, राह अभे मुझको दिखा दो, जय तु वीणा वादिनी। भावना हो परम पावन, मन मलिनता त्याग दे, सहज हो जीवन हमारा, मातृवत अनुराग से सबसे मन को तुम हंसा दो, जय तु वीणा वादिनी। तम से अंत से का मिटा दो, जय तु वीणा वादिनी। संग कोई आचरण में विघ्न जब पैदा करे, दृष्टि ऐसी हो तुम्हारी, विघ्न भी कंपित रहे, मुझे भी वह साहस जगा दो, जय तु वीणा वादिनी। तम से अंत से का मिटा दो, जय तु वीणा वादिनी, राह अभे मुझको दिखा दो, जय तु वीणा वादिनी। तम से अंत से का मिटा दो, जय तु वीणा वादिनी। बहुत बहुत आभार आपके प्रति अंजना सिन्हा जी, और आपने अपने सुमधुर कंठ से माता सरस्वती की प्रार्थना को प्रस्तुत किया है और हम सबको भाव विभोर मतलब आपने कर दिया अपने सुरीले स्वर से। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें सच्चा जो स्वर है, हृदय का जो प्रेम है, पावन प्रेम माता सरस्वती के प्रति, तो उसको आपने प्रकट किया है। संसार की मंगल कामना और उन्नति की कामना जो हम सबकी कामना है जीवन में, और तमस अंतस का मिटा दो। तो आज सबसे बड़ी जो जरूरत है वो यही है कि हमारी आत्मा जो है वो प्रकाशित हो, क्योंकि बाहर में तो बहुत प्रकाश फैला हुआ है लेकिन हमारी आत्मा का पतन हो रहा है। आज के दौर की सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है समाजशास्त्रियों के द्वारा भी और तमाम तरह के जो सुविज्ञ लोग हैं, तो उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि आज मनुष्य जो है वो भटकाव की ओर जा रहा है, क्योंकि उसकी आस्था जो है परंपरा के प्रति वो खत्म हो रही है और वर्तमान व्यवस्था में नए आदमी को आत्मा रहित कर दिया है। तो आपने यही प्रार्थना की है, तो अब हम चाहते हैं अंजना सिन्हा जी कि आप अपनी दूसरी कविताएं भी हमें सुनाएं। सर
कविता से पहले मैं अपनी एक मुक्तक रखती हूँ, सुने। सुबह लिखती हूँ मैं, शाम लिखती हूँ, इस दिल पर बस तेरा नाम ही लिखती हूँ। मानो तुम किसी और के हमदम हो, मानो तुम किसी और के हमदम हो, मैं अपनी चाहतों का पैगाम लिखती हूँ। सुबह लिखती हूँ मैं, शाम लिखती हूँ, इस दिल पर बस तेरा नाम ही लिखती हूँ। मेरे गीत है, रखती हूँ आप सबके बीच में। तेरी आँखों में बस तेरा चेहरा रहता है, मेरी आँखों में बस तेरा चेहरा रहता है। बन के लाओ जिसमें भी मेरे तू ही बहता है, तू ही बहता है। मेरी आँखों में बस तेरा चेहरा रहता है। ख्वाब सजाओ सोचो मैंने नी, आलिंगन मेले ने कहो तरजनी से तुम जाकर, ममी अधरों से खेले। लेकिन विरह वेदनाओं का पहरा रहता है, मेरी आँखों में बस तेरा चेहरा रहता है। निसरी गले से तेरी बातें कानों में रस घोले, सांस रटती पीहूं पायल छम छम बोले। मिसरे गले से तेरी बातें कानों में रस घोले, सांस रटते पीहूं पायल छम छम बोले। सुलगे सुलगे जाए मेरा मन, क्यों बोझ रहता है, क्यों बोझ रहता है। मेरी आँखों में बस तेरा चेहरा रहता है। जीवन की हर चाह तुम्हें हो, मन की हर अभिलाषा
जीवन की हर चाह तुम ही हो, मन की हर अभिलाषा सखी पूछती है सावन में, मेरा मैंने क्यों प्यासा। पतझड़ में हरियाली होगी, बनिया सा करता है, बनिया सा करता है, मेरे आँखों में बस तेरा चेहरा रहता है। बन के लहू जिस में मेरे, ला ला ला। बहुत बहुत आभार से, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको कि आपने इतना सुंदर, इतनी सुंदर कविता आपने हम लोगों को सुनाई है, और आप बधाई की पात्र हैं वाकई कि आपने स्मृतियों को और प्रेम को और हृदय को, जीवन को, सबको एक तरह से जीवंत बना दिया है कविता के पुलक पर। और बहुत खुशी की बात है कि कानपुर उत्तर प्रदेश से स्नेहा सिंह, जो एक बहुत ही अच्छी कवित्री हैं, ये भी मौजूद हैं हमारे कार्यक्रम में। हाँ स्नेहा जी, आपका जो माइक है वो म्यूट आ रहा है, इसको अनम्यूट कीजिए। फ्रेम भी आप अपना ठीक बनाइए, अभी जो फ्रेम है ऐसा ही रखिए, अभी जो फ्रेम आपका जो दिख रहा है स्क्रीन पर, और फ्रेम स्टैटिक रखिए, उसमें ज्यादा मतलब मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ओके ओके, कैमरे को स्टैटिक पोज में रखिए। जी जी जी, ठीक है। चेहरे का पूरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा विजुअल मीडिया है ये। हाँ देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये यूट्यूब लाइव जो है, तो इसमें आपको क्लोजअप, मिड क्लोजअप में अपनी इमेज को रखना होगा। जैसे जैसे अंजना सिन्हा जी अपना एक की इमेज जो दिखाई दे रही है, वैसे ही रखना होगा कैमरे को। करीब करीब मैं भी अपनी इमेज को एस्थेटिक रखे हुए हूँ। स्नेहा सिंह, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपकी आवाज भी अभी तक सुनाई नहीं दे रही है, कैसे आपको हम आमंत्रित करें? कुछ बोलिए तो। कैसे आवाज, बहुत कम आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपको सर, वो एडजस्ट करने की कोशिश करें। बहुत कम आवाज आ रही है, थोड़ा सा जी। नहीं नहीं, आवाज मुझे तो फिर कुछ बोलिए कुछ। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, तो नेटवर्क इशू होगा सर, नेटवर्क इशू होगा, मुझे तो आ रही। मैं अंजना सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करके अपनी अगली कविता हमें सुनाए। जी सर, आपकी आवाज मिल पा रही है? मैं अक्सर के बीच में, समस्या ये है कि आप अपने कैमरे को क्यों नहीं स्टैटिक रखी हुई है? स्टैटिक भी तो अभी का आपको दिक्कत हो रही है ना? नहीं नहीं, कैसे रखी हुई है, जब आपको आपके कैमरे से जो कुछ भी इमेज बन रहा है वो आप देख तो रही है ना? ऐसा नहीं है कि आपका कैमरा जो आपकी छवि को स्क्रीन पर प्रेस कर रहा है उसको आप नहीं देख रही हैं, उसमें बराबर फ्लक्चुएशन हो रहा था, बराबर कभी ये हिस्सा कभी वो हिस्सा। आवाज मिल पा रही है जी? थोड़ी अब कम आवाज आ रही है पर मिल रही है। हाँ बहुत कम आवाज आ रही है, कार्यक्रम में जो टोन होना चाहिए, जो पेस होना चाहिए, तो वो तो नहीं है ना? नेटवर्क इशू होगा सर, मेरी तरफ से तो नहीं है, उधर से हो, मैं भी कुछ हो, मेरी तरफ से सही है। हो सकता सर मैम साउंड को थोड़ा सा अपना बढ़ा ले, हो सकता कम हो गया हो मोबाइल में। साउंड तो फुल किए हुए है मोबाइल की। जी 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 सर, जैसा आप कहें।
ठीक है, तो स्नेहा सिंह आप अपनी कोई कविता सुनाइए। चलिए जो भी आपकी आवाज आ रही है आप एक कोई कविता अपनी सुनाइए, बहुत हम लोग इंतजार कर रहे थे आपका। जी जी, तो आप, मैं अपनी एक अपनी रचना हम अपनी सुना रहे हैं आपको। हाँ, मेरी एक कविता नहीं कहेंगे लेकिन कविता की तरह ही मान लीजिए, एज अ गजल मान लीजिए या कुछ दोहा, कुछ भी मान सकते हैं आप। उसका शीर्षक है कभी कभी। कभी, अच्छा, कभी कभी जी। तो कभी कभी जिंदगी का सबक भूल जाता हूँ, कभी कभी मैं जिंदगी का सबक भूल जाता हूँ, जिंदा हूँ क्यों वो वजह भूल जाता हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। मैं जिंदगी का सबब भूल जाता हूँ, जिंदा हूँ क्यों वो वजह भूल जाता हूँ। कतरा कतरा बहता हूँ मैं, कतरा कतरा तुझ में बहता हूँ मैं, दरिया बन बस मिलना भूल जाता हूँ। कतरा कतरा बहता हूँ मैं बस दरिया बन तुझ में मिलना भूल जाता हूँ। कभी कभी जिंदगी का सबब भूल जाता हूँ, मैं जिंदा हूँ क्यों वह वजह भूल जाता हूँ। अब ना रूठता हूँ किसी से, अब ना रूठता हूँ किसी से, ना ही शिकायत है किसी से। अब ना रूठता हूँ किसी से, ना ही शिकायत है किसी से, खुद में रहता हूँ इतना मग्न, बेवजह की सारी उलझन भूल जाता हूँ। खुद में रहता हूँ इतना मगन, बेवजह की सारी उलझन भूल जाता हूँ। कभी कभी जिंदगी का सबब भूल जाता हूँ, मैं जिंदा हूँ क्यों वह वजह भूल जाता हूँ। किरदार को अब तौलता नहीं सुंदरता से, किरदारों को अब तौलता नहीं सुंदरता से, चरित्र ईमान और मासूमियत की हो झलक जिसमें, चरित्र ईमान और मासूमियत की हो झलक जिसमें, उस शख्सियत में खो जाता हूँ, उस शख्सियत में बस खो जाता हूँ। कभी कभी जिंदगी का सबब भूल जाता हूँ, मैं जिंदा हूँ क्यों वह वजह भूल जाता हूँ। उम्मीद के दिए रोशन रखता हूँ खुद के दम पर, उम्मीद के दिए रोशन रखता हूँ खुद के दम पर, औरों की सहारे की अब तलब भूल जाता हूँ, औरों की सहारे वाह वाह, बहुत सुंदर। अब तलब भूल जाता हूँ, कभी कभी जिंदगी का सबब भूल जाता हूँ, मैं जिंदा हूँ क्यों वह वजह भूल जाता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको स्नेहा सिंह। स्नेहा सिंह, आपकी कविताओं में मैंने ये महसूस किया कि उसमें सरलता है, सादगी है, लेकिन एक बात है कि आप अपने मन के भावों को बहुत ही ईमानदारी से आप पेश करती हैं। और आज के दौर में तो खैर मतलब जिंदगी बहुत एक पहेली बनती जा रही है हम लोगों की जिंदगी, और मुश्किलें जो हैं, कठिनाइयां, परेशानियां, वो चतुर्दिक मतलब इस कदर हम लोगों को बिल्कुल वो घेरे रहती हैं कि एक तरह से हार मानना पड़ता है। और आपकी कविता यहीं पर बहुत याद आ रही है से कि आपने जो कुछ भी कहा है कि क्यों जिंदा हूं, है ना, ये सबब बन जाता है। खैर, कहीं भी कविता में लेकिन निराशा का भाव नहीं है, संघर्ष का ही भाव है, मुझे लगता है ऐसा, है ना, और ये सबसे बड़ी बात है। और आप एक महिला है, नारी है, नारी स्वर है, नारी का जो जीवन है तो उसको आप, उसके एक नए आयाम को आप प्रस्तुत कर रही हैं। और मैं अब आग्रह करूंगा एक रचना और रख दे अपनी छोटी सी, अगर आपकी बिल्कुल आप एक रचना और सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, तो मेरी अगली रचना का शीर्षक है कोरी कल्पना। कोरी कल्पना ठीक है, हाँ सुनाइए। एक कवि की कोरी कल्पना को पूरा सा करती है एक कविता, एक कवि की कोरी कल्पना को पूरा करती सी है एक कविता। मन मस्तिष्क और कलम के
खालीपन को भावों से सुसज्जित सा करती है एक कविता, एक कवि की कोरी कल्पना को पूरा सा करती है एक कविता, मन मस्तिष्क और कलम के खालीपन को भावों से सुसज्जित सा करती है एक कविता। जज्बात बिखरते हैं जब कागज की फर्श पर स्याही के रंग हो, जज्बात बिखरते हैं जब कागज की फर्श पर स्याही के रंग हो, अक्षर अक्षर संग मोतियों की माला जैसे पिरोसा जाती है एक कविता, अक्षर अक्षर संग मोतियों की माला जैसी पिरोसा जाती है एक कविता, एक कवि की कोरी कल्पना को पूरा सा करती है एक कविता। हर भाषा हर देश की संस्कृति और सभ्यता का मिला जुला सा भाग होती है एक कविता, हर भाषा हर देश की संस्कृति और सभ्यता का मिला जुला भाग सा होती है एक कविता। अनकहे अनसुलझे शब्द विचार का स्पष्टीकरण भी है एक कविता, अनकहे अनसुलझे शब्द विचार का एक स्पष्टीकरण भी है कविता, एक कवि की कोरी कल्पना को पूरा सा करती है एक कविता। सुख दुख दर्द और मरहम को साझा सा करती है एक कविता, एक कवि की कोरी कल्पना को पूरा सा करती है एक कविता। धन्यवाद सर। कविता में यथार्थ की प्रधानता होती है, कविता में यथार्थ की प्रधानता होती है, लेकिन मुझे लगता है कि यथार्थ जो है वो कल्पना के माध्यम से ही, कल्पना के सहारे ही वो प्रकट होता है, और वही कवि कवि की मौलिकता होती है कि अपनी कल्पना से यथार्थ को वो किस तरह से प्रकट कर रहा है। इसी को मतलब काव्य शास्त्र में ये प्रतिभा कहा गया है, काव्य प्रतिभा। तो सृजन का जो ये संसार है, काव्य संसार, तो उसमें आपने यथार्थ और कल्पना दोनों के तालमेल को लेकर करके आपने संकेत किया है कि कविता कैसे बहुत मतलब हमारी आत्मा का वो विषय है और समाज का विषय भी है, और इसके सृजन को लेकर करके हमें बहुत ज्यादा समर्पित होना चाहिए, सहज होना चाहिए। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई है। हाँ, कुछ स्वर आपका जरूर मंद रहा है, तो क्या तकनीकी खामियां हो सकती हैं? तकनीकी खामियों को लेकर के मैं उम्मीद करता हूँ अगली गोष्ठियों में आप इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगी, अपने माइक्रोफोन को, अपने मोबाइल के ऑडियो डिवाइस को आप थोड़ा पहले देख लेंगे, चेक कर लेंगी। नहीं नहीं, एक्चुअल मुझे लग रहा है मेरा नेट जो होता है ना वो खत्म हो रहा है, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेटवर्किंग से भी ऑडियो क्वालिटी प्रभावित होती है, वीडियो क्वालिटी प्रभावित होती है, और मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप थोड़ा सा उसके ऑडियो डिवाइस को भी आप चेक करवा लेंगी, मैं दुकान में भेजकर मोबाइल को। और अब मैं अंजना सिन्हा, जो सखी के नाम से भी प्रसिद्ध है कविता की दुनिया में, तो इनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपना अगला गीत वो सुनाएं। जी सर, सर मुझे लगता है कि ट्रेन की बात हो और उसमें मीरा की बात ना हो और कृष्ण की बात ना हो तो फिर प्रेम कहाँ है। और मीरा का प्रेम तो कमाल का, सभी ने अपने आप सभी प्रेम को जाना है तो कान्हा जी से ही जाना है कि प्रेम होता कैसा है, तो उस पर मेरी सवैया है, सुने उसके बाद एक गीत रखूंगी। साधक के मोहनी आज बने हमें देख गई अब मैं जग, त्याग करे हमें आज सदा सुने नाव करो तुम ही अब पार, जीवन आप दिए अब मोहनी, जीवन आप दिए अब मोहनी, सुंदर काम करे हर बार, अंजन बोलते मोहन माधव आप करो अब दुर्गुण माँ,
कानने कानने घूमते मोहने मोहने रास रचावत है। बांसुरिया धुने आज सुनी सब देखे सुनी सब आवत है। नाच रही अब आज सखी सब ढोले बजावत गावत है। देख छवि सब मोहित मोहने देख छवि सब मोहित मोहने राधे नाम सुनावत है। नेह स्नेह सजीनत नागर नित्य मिले पर नन अधीरा। मोहन दर्शन मोहन सदाउर प्रीत पुनित पुरातन पीरा। भागे चली यमुना तट तिर सब छोड़ स्नेह सजातन चीरा। आचल आचल आज सजी सरिता सुबे सागर शांत सुधा नव नीरा। मैंने नीरा पे भी लिखा था। ये कविता आपकी हो गई ना अभी जो आप जी सर एक जी सर ये तो पूरी हो गई ना और सर एक मेरा नहीं अभी जो आपने अभी जो अभी जो आपने सुना आपने जो सुना आपने आप जो सुना रही थी जो कविता अभी जो गीत था तो ये पूरा हो गया ना सर एक बंद हाँ ठीक है। तो इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा आपको और सभी लोगों को मैं चाहूंगा बताना कि कृष्ण और राधा और ब्रज और गोपियों के मतलब प्रेम को लेकर आपने जो ये कविता लिखी है तो उसमें हमारा जो लोक जनजीवन है तो उसका उसमें जो ईश्वर प्रेम का भाव सबके हृदय में विद्यमान है और वो श्रृंगार के माध्यम से वो प्रकट हुआ है कृष्ण काव्य की जो धारा रही है कृष्ण भक्ति काव्य की धारा। तो आपने उसी परंपरा में इस गीत को रचा है और यहाँ पर जनजीवन का उल्लास उसका आत्मिक सुख सौंदर्य है ना और भगवान के प्रति अनन्य प्रेम तो ये सब जो है आपकी कविता को बहुत ही सुंदरता वो प्रदान करता है। मैं समझता हूँ कि स्नेहा जी भी मेरी बात सहमत होंगी। अंजना सिन्हा जी की जो कविता भी है आपने सुनी उसके बारे में मैंने जो कुछ भी बताया है कहा है आपको क्या लगता है ठीक है ना उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही जी है शायद वो सुन नहीं पा रही हैं लग ठीक है कोई बात नहीं है। हम आप दूसरी कविता भी चाह रही हैं सुनाना तो सुनाइए दूसरी कविता जो है वो हम सुनेंगे। सवैया चाहती है सुनाना ना सर तो दूसरी कोई गीत सुनाती हूँ सवैया छोड़ देती हूँ सवैया तो मैंने तीन सुनाया आपको तो एक गीत रखती हूँ आप सबके बीच में जो कि मेरे करवा चौथ पर लिखी हुई ये कवि गीत थी। चारे चंदा के साजन से राहे निहारे करवा चौथ त्योहारे आया उनको हृदय पुकार जारे चंदा के साजन से सजीने राहे निहारे। अगले बंद में क्या लिखते हो सुने। मचल रही है अरे माने
करे नहीं उनसे बातें, वे निर्मोही कटे नाम से, वे निर्मोही कटे नाम से, विरह भरी ये रात, कब आएंगे प्रियतम कर दो मुझे को जरा इशारे, जानी चंदा हे साजन से सजे नहीं राहे निहारे, बोझिल सावन रहता मेरा उन्हें के याद सताए, राह निहारूं छत पर उसने वादे सभी भुलाए, जियो बसाए मन में सजना, जियो बसाए मन में सजना, उसे की प्रीत सहारी, जारे चंदा जह साजन से सजे नहीं राहे निहारे, सब श्रृंगार बिना प्रयत्न के फीके फीके लगते, सब श्रृंगार बिना प्रयत्न के फीके फीके लगते, दूर सजन है इंतजार में, दूर सजन है इंतजार में, नैने रात भरे जगते, लगने लगेता एक नदी के, लगने लगेता एक नदी के, हम हैं पृथक किनारे, जाने चंदा कह साजन से सजे नहीं राहे निहारे, करवा चौथ त्योहार आया उनको हृदय पुकारे, जाने चंदा के साजन से सजे नहीं राहे निहारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए मुझे लगता है ना कि जो रात्रि रूप में नारी जो है वो उसके जीवन में जो उजाला है वो तो चांद ही लेकर आता है ना, तो रोशनी के साथ चांद की रोशनी के साथ वो रात्रि का बस वो श्रृंगार है और प्रेम है, श्रृंगार से मेरा से प्रेम से है, तो बिल्कुल करवा चौथ जो है इसी भाव को प्रकट करता है। और जो ये प्रसंग है, विषय जो है भारतीय जनजीवन का विषय स्त्री पुरुष नर नारी है ना, और ये पति पत्नी दाम्पत्य जीवन घर आंगन का जो उजाला है, जो सुख है, जो प्रेम है, तो करवा चौथ की जो कथा है वो उसको चरितार्थ करती है। और आपने अपने
भाव विभोर होकर के आपने नारी, भारतीय नारी के जो मन प्राण है तो उसको आपने प्रकट किया है, और इस दृष्टि से आपको बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं, बधाई। और मैं आग्रह करूंगा स्नेहा सिंह से कि वो अपनी कविताएं हमें सुनाए। जी सर, पुनः मेरा मंच को प्रणाम है, नमस्कार है। मेरी रचना का शीर्षक है, मेरी हथेली पर तुम्हारे उंगलियों के दस्तखत। मेरी हथेली पर तुम्हारी उंगलियों के दस्तखत, वो पहली मुलाकात की तुमसे, वो पहली मुलाकात जब की तुमसे, वो पहली नजर से बिन बोले बात की तुमसे, वो पहली नजर से बिन बोले जब बात की तुमसे, वो शर्म वो हया, वो शर्म वो हया और बालों की गुलाबी रंगत की अदा, वो शर्म वो हया वो गुलाबी गालों की रंगत की अदा, फिर हौले से सब समझ जाना, फिर हौले से तुम्हारा सब समझ जाना और मेरे पास आ जाना, और मेरे पास आ जाना, वो पहली मुलाकात की जब तुमसे, वो पहली नजर से बिन बोले की तुमसे, और फिर मेरे हाथ को अपने हाथ से थामना, और फिर मेरे हाथ को अपने हाथ से थामना, एक अपनेपन के स्पर्श का मुझे एहसास करा जाना, और एक अपनेपन के स्पर्श का मुझे एहसास करा जाना। ये एहसास कुछ ऐसा था, ये एहसास कुछ ऐसा था, मानो मेरी हथेली पर मोहब्बत की गर्माहट भरी उंगलियों के दस्तखत कर जाना, खुद तुम्हारे दस्तखत का हो जाना, वो पहली मुलाकात की जब तुमसे, वो पहली नजर से तुम बोले बात की जब तुमसे, मेरी घबराहट मेरी हर बेचैनी पर, मेरी घबराहट मेरी हर बेचैनी पर हृदय से आलिंगन कर साथ हूँ, हर पल तुम्हारे ये अनुभूति करा जाना, मेरी घबराहट पर मेरी हर बेचैनी पर हृदय से आलिंगन कर साथ हूँ, हर पल तुम्हारे ये अनुभूति करा जाना। जैसे आपकी समझ की गहरी दास्तां का एक उदाहरण दे जाना, जैसे आपसी समझ की गहरी दास्तान का एक उदाहरण दे जाना, वो पहली मुलाकात की जब तुमसे, वो पहली नजर से बिन बोले बात की जब तुमसे, हर छोटी इच्छा का हमेशा मान रखना, हर छोटी इच्छा का हमेशा मान रखना, हर दम जीवन साथी के रूप में मेरा सम्मान करना, हरदम जीवन साथी के रूप में मेरा सम्मान करना, हर उलझन में समाधान बनना, हमेशा मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम कर चलना, हमेशा मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम कर चलना, कहीं ना कहीं मेरी हथेली पर प्रेम के रंग से खुद की उंगलियों के जैसे दस्तखत कर जाना, जैसे दस्तखत कर जाना, वो पहली मुलाकात की जब तुमसे, वो पहली नजर से जब बिन बोले बात की तुमसे। धन्यवाद सर, आभार। बहुत सुंदर आपने जो ये कविता सुनाई है, तो प्रेम जो है वो तो खैर एक हम लोगों के जीवन में सदैव रहता है विद्यमान, लेकिन ये प्रेम की जो पहली अनुभूति है तो उसको आपने अपनी कविता का विषय बनाया है, तो ये बहुत ही एक सुंदर अनुभूति को आपने चुना है इस कविता में, और बहुत ही सजीव चित्रण आपने कविता का किया है। ये हर नारी और हर जो लड़की है, जो कन्या है, तो उसके जीवन का ये सबसे बड़ी धरोहर होती है उसका प्रेम। पुरुषों का प्रेम भी, पुरुषों का प्रेम भी देखिए है, नारियों के प्रति उनकी भी अपनी अनुभूतियां हैं, लेकिन
नारी का प्रेम तो बहुत पवित्र होता है ना। सर हम करेंगे नारी के प्रेम की, नारी के प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो प्रेम बहुत पवित्र होता है, एकल होता है, समर्पित होता है। तो उसको 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 आपने जिस तरह से अपनी स्मृतियों में आपने समेटा है तो वो उसमें बहुत सजीवता है, संवेदना है और अनुभूति है, सहजता है। और आप दूसरी कविता भी चाहती हैं सुनाना तो आप सुनाइए, लेकिन समय पूरा हो रहा है, थोड़ी छोटी कविता हो और हाँ जल्दी से सुना देते हैं, ठीक है, जल्दी से 5 मिनट में सुना देंगे। प्रेम में रचना का शीर्षक है प्रेम में अब वो रसधार कहाँ, प्रेम परी है, प्रेम में अब वो रसधार कहाँ, प्रेम क्या करेंगे, प्रेम क्या करेंगे आज के नव युगल, प्रेम क्या करेंगे आज के नव युगल, ना अब उसमें प्रेम, ना अब प्रेम में रस बचा है, हीर रांझे सोनी महिवाल के जन्मों जन्म के वादे वफा का, ना अब इस प्रीत में गूंज गूंजती है मोहन की मुरलिया, जिसे सुन बेबस राधा खिंची चली आती थी अक्सर सारे नियम की बेड़ियों को तोड़कर, ना प्रीत की गूंज में गूंजती है मोहन की मुरलिया की, जिसे सुन राधा हमेशा अक्सर चली आती थी सारे नियम की बेड़ियों बाधा को तोड़कर, ना अब शिव गौरा और सीता राम जी के व्रत लेकर चलने का इसमें धैर्य मिलेगा, ना अब के प्रेम में शिव गौरा और सीता राम जी के एक व्रत लेकर चलने का धैर्य मिलेगा, ना ही परिजनों की अनंत और निस्वार्थ प्रेम की एक भी झलक दिखेगी, ना ही परिजनों की अनंत और निस्वार्थ प्रेम की एक भी झलक दिखेगी, प्रेम में साकी अब वो रसधार कहाँ, प्रेम में साकी अब वो रसधार कहाँ, ना कुदरत का ममत्व तुल स्पर्श मिलेगा, ना कुदरत का ममत्व तुल स्पर्श मिलेगा, ना प्रकृति के कण कण में समाया निश्चल अपनत्व मिलेगा, ना प्रकृति के कण कण में समाया निश्चल अपनत्व मिलेगा, ना त्याग ना तपस्या की झलक, ना त्याग ना तपस्या की झलक, ना माटी के आलिंगन की खुशबू मिलेगी, ना मुस्कुरा कर जा निसार करने वाले प्रीत की डोर से सदे जावाज मिलेंगे, ना मुस्कुरा कर निशार करने वाले प्रीत की डोर से सदे जावाज मिलेगे, प्रेम में अब वो रसधार कहाँ, प्रेम में अब वो रसधार कहाँ, ना बाट जो होती नजर की वो प्यास मिलेगी, ना बाट जो होती नजर की वो प्यास मिलेगी, ना प्रेम विरह बाद दीदार की वो तलब मिलेगी, ना प्रेम विरह बाद दीदार की वो तलब मिलेगी, अब के प्रेम में ना उस सतयुग द्वापर त्रेता की बात मिलेगी, अब के प्रेम में ना उस सतयुग द्वापर त्रेता की वो बात मिलेगी, ना मित्रता की वो मिसाले देते साथी मिलेंगे, ना सुदामा श्री कृष्ण की प्रेम में पांव पखारते वो अश्व की धार दिखेगी, ना सुदामा श्री कृष्ण की प्रेम में पांव पखारते वो अश्रु की धार दिखेगी, प्रेम में साकी अब वो रसधार कहाँ, प्रेम में साकी अब वो रसधार कहाँ, ना झुक कर रहने का अपनत्व मिलेगा, ना झुक कर चलने का अपनत्व मिलेगा, ना चरित्र अब सुव्यवस्थित मिलेगा, ना झुक कर चलने का या रहने का अपनत्व मिलेगा, ना चरित्र अब सुव्यवस्थित मिलेंगे, अब ना प्रेम के रास्ते एकता के तार में कसे सुसंगठित मिलेंगे, अब ना प्रेम के रास्ते एकता के तार में कसे सुसंगठित मिलेंगे, और ना मर्यादा में लिपटे वो व्यक्तित्व मिलेंगे, और ना अब मर्यादा में लिपटे वो व्यक्तित्व मिलेंगे, प्रेम में साकी अब वो रसधार कहाँ, प्रेम में साकी अब वो रसधार कहाँ। धन्यवाद। स्नेहा सिंह जी ने जो प्रेम के बारे में बताया है तो प्रेम बहुत एक विस्तृत विषय है, प्रेम ही सर्वस्व है सब लोगों के जीवन के लिए, सारे संबंध संसार के प्रति भौतिक अभौतिक सूक्ष्म स्थूल मतलब जीवन के जितने सारे पहलू हैं, तो प्रेम को हम लोग उसका मूल तंत्र मानते हैं, खुद आत्म प्रेम अपने आप से भी हम लोग जो आस्था रखते हैं आत्म आस्था, तो प्रेम का ही प्रचार
अटैक होता है, अपने आप से प्रेम, सबसे प्रेम, तो सर्वस्व है प्रेम। तो लेकिन ये बात जो कही जा रही है कि प्रेम संकट से घिरा हुआ है, और तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। और प्रेम ने हमारे जीवन को बहुत ज्यादा बदल दिया है आज, क्योंकि प्रेम के नए संदर्भ सब सामने आ रहे हैं। पुराने ढंग से जीवन को हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग जीवन को जिस तरह से देख रहे हैं तो उसमें स्वार्थ की जो प्रवृत्तियां हैं और बदल जीवन की बदलती हुई सब जो मान्यताएं हैं, जो मूल्य है जीवन मूल्य, तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसके लिए पश्चिमीकरण को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं, कुछ लोग वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को इसके भीतर देख रहे हैं, भौतिक जीवन की जो हो रहा है, भौतिक सुखों की ओर। तो ये सब सारे प्रसंग जो है, देखिए हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, ये सब सारे प्रसंग कहीं ना कहीं आपकी कविता के वर्ण विषय में शामिल हैं, कविता की अंतर वस्तु में ये सब सारे विषय जो हैं वो निरंतर वो दस्तक देते हैं। और आपने राम और सीता के प्रेम की चर्चा भी की है, सोनी महिवाल के प्रेम की चर्चा भी की है, तो हमारा ये कहना है कि राम और सीता का प्रेम तो खैर है ही, समस्त भारतीय मतलब स्त्री पुरुषों के जीवन का वो एक सबसे बड़ा आधार है, और सोनी महिवाल का प्रेम भी है, क्यों नहीं है, सोनी महिवाल की तरह से भी प्रेम करने वाले लोग सब हैं। तो लेकिन हाँ प्रेम बदल रहा है, और प्रेम को लेकर के जो संकट कायम हो रहा है तो उसको लेकर के आपकी कविता जो है एक बहस को, एक विमर्श को शुरू करती है। और यहीं पर हम लोग प्रेम के प्रति समर्पित बने रहे, प्रेम के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें, और प्रेम हमारे जीवन में सबके हृदय में प्रेम हो, सबके प्रति प्रेम हो, और प्रेम बहुत व्यापक बने। और ग्रीष्म के मौसम में तो आप जानती हैं कि प्रेम की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं, बादल के प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आकाश जो है बहुत प्रेम में ही है, लेकिन वो धूप बरसा रहा है, कड़ी धूप में हम लोग सफर कर रहे हैं आकाश को निहारते हुए, दिशाओं को ढूंढते हुए। तो इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की काव्य गोष्ठी में अंजना सिन्हा और स्नेहा सिंह, आप दोनों आई, और आप लोगों ने काव्य गोष्ठी को इस तरह से जीवंतता प्रदान की, उसे आपने सौंदर्य प्रदान किया, खूबसूरती प्रदान की, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके प्रति हम आपके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। मैं भी व्यस्त था और मैं कार्यक्रम से बहुत दूर रह रहा था, क्योंकि अपनी व्यस्तताएं होती हैं लोगों की, लेकिन आज मैंने ये सोचा था कि आज कार्यक्रम मैं आयोजित करूं, और बहुत कम समय की नोटिस पर आप दोनों कार्यक्रम में उपस्थित हुई। आप लोग कार्यक्रम में पधारते रहिए, आती रहिए, किन्नौर अब तक पर अपनी कविताएं आप लोग प्रस्तुत कर सकती हैं, सदैव आपका स्वागत है। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं, और आप अगर कुछ कहना चाहती हो हाँ तो आप लोग कुछ कह भी सकती हैं। अंजना जी आप कुछ चाहते हैं यहाँ पर आकर? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर, मैम बोल रही और बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आपसे। जितने लोग जुड़े हैं सभी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद। स्नेहा सिंह आप अपनी कुछ जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, हम इतना ये कहना चाहेंगे कि देखिए एक जो रचनाकार होता है, लेखक, कवि, ऑथर जो भी माने आप, वो जो आज की दुनिया में घट रहा है उसको भी रखता है अपने शब्दों में, अपनी रचना में, अपने सोच विचार के द्वारा। और कहते हैं ना जो पुरानी पुरातन से जुड़ी जो चीजें होती है उसको भी साथ में रख के चलता है। तो मेरा मानना है कि हर पहलू को छूते हुए आपको लिखना चाहिए हमेशा, चाहे आप गद्य लिखें या पद्य लिखें, वो विषय नहीं है यहाँ पर कम से कम जो भी लिखें आप किसी को प्रेरित कर रहे हो, एक उदाहरण के तौर पे या एक आगे आने वाली पीढ़ी को एक उदाहरण बन रहे हो, इस तरह से लिखें जिससे उनको एक मोटिवेशन मिले। बस यही मेरा लक्ष्य यही रहता है लिखने का कि मैं कभी एक पहलू पर नहीं लिखती हूँ, जैसे मेरा टारगेट है रहता है कि विभिन्न विभिन्न विषयों पे लिखना, ये मेरा हमेशा रहता है, कभी एक तरह से लिखना मुझे पसंद नहीं है। तो जैसे मैंने नारी को बहुत लिखा है, नारी के कुछ ऐसे पहलू जो कभी छुए नहीं आते, जिसकी बात करने से लोग आज भी घबराते हैं, शर्माते हैं। कविताएं लिखते हुए तो आपका जो नारी मन है वही बार बार प्रकट होगा ना। नारी कविता के नाम से कविता ही लोकप्रिय हो रही है, एक धारा का ही विकास हो रहा है, तो सवाल ये उठता है कि वो धारा क्या है, उसमें नारी की उपस्थिति है, नारी का अपना नजरिया है जीवन को लेकर के, समाज को लेकर करके, और भाव विचार और चिंतन के धरातल पर इस कविता को स्वीकार किया जा सकता है। और ये कविता जो है बहुत पुराने समय से चलती आ रही है,
खैर मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे मेरी कोई असहमति नहीं है आप लोगों से, आप लोगों की जो कविताएं हैं नारी नारी कविताएं तो उनमें बहुत पहले से ही सब सारे यथार्थ के सब आयाम सब निरंतर अन्वेषण के दौर से गुजरते रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कविता तभी परिपूर्ण होगी, कविता की धारा, जब उसमें नारियों की सहभागिता होगी। जैसे हम व्यवस्था के भीतर बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, नारियों की व्यापक सहभागिता से ही हमारा जो सार्वजनिक जीवन है वो राष्ट्र जीवन जो है वो परिपूर्ण होगा, हमारे जो महापुरुष हैं राष्ट्र निर्माता उनके सपने साकार होंगे। तो साहित्य में भी जब तक सभी वर्गों के सभी तबकों के लोगों की उपस्थिति नहीं बनेगी तब तक साहित्य का जो यज्ञ है वो पूरा नहीं होगा। इसी कामना के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे, नमस्कार। नमस्कार। आप लोग हाँ।